दिन पहले जब नीचे झगड़ा चल रहा था हमारे पड़ोस में, मैं वहाँ पे थी, एग्जैक्ट टाइम वही रहा 12:37 पे, उसी दिन आए थे वो। तो मेरी सासू माँ थी घर पे, उसके बाद उन्होंने आके उनसे बोला कि हम जनगणना का नाम लिया, जनगणना के करने आए हैं, आधार कार्ड आपका दीजिए, और भंवर सिंह जी का है, हस्बैंड के लिए पूछा तो बोला कि वो घर पे नहीं है। बोले भाभी जी, नीचे हैं। बोले ठीक है। इसके बाद में उन्होंने पानी मांगा, बोला एक गिलास पानी पिला दो। तो मेरी सासू माँ ने मुझे कॉल किया कि दो जने ऐसे ऐसे आए हैं आधार कार्ड लिंक करने के लिए, जनगणना के नाम पे पानी मांग रहे हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने आप गेट नहीं खोलना, मैं नीचे ही हूँ, उनको नीचे भेज दो, मैं नीचे ही पानी पिला दूंगी। तो सर उस दिन वो चले गए। उसके बाद में दोबारा वो आए दो दिन बाद में, एग्जैक्ट टाइम वही था 12:40 पे मेरी बैल बजी। मैंने जाके चेक किया कि कौन है। जब मैंने बड़ा वाला गेट खोला और छोटा वाला जाली वाला गेट अपना बंद ही था, उसी से सारी बात हो गई सर मेरी कि आप कहाँ से आए। तो बोला पुलिस की वर्दी में सर देख के मैं थोड़ा हो गई, घबरा गई, भाई पुलिस कैसे आई है। तो मैंने पूछा कि मेरे हस्बैंड का किसी से झगड़ा हुआ है, किसी ने कम्प्लेन की है, क्या बात है, आप क्यों आए। तो बोलता है कि मैम नहीं, ऐसे ही कुछ काम था। मैं कहा कौन से थाने से आए आप। बोले करदनी थाने से आए। ठीक है सर, आप नंबर लगा लीजिए मेरे हस्बैंड का, उनसे बात कर लीजिए। एक नंबर दिया तो बोला मैम ये नंबर लग नहीं रहा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड का सेकंड नंबर दिया। सेकंड नंबर लगने के बाद भी उसने डायल किया ही नहीं था, ऐसे शो अप कर रहा था जैसे बात हो रही है। तो फोन लगा, लगने के बाद बोलते हैं हाँ सर भंवर सिंह जी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, मैं कमल बात कर रहा था करदनी थाने से। सर मिलना था आप, कहाँ पे अभी। अच्छा टाइटन मॉल है आप, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ऐसे कीजिए शाम को आते समय थाने होते हुए आइएगा। हाँ हाँ सर, करदनी थाना पहचान गए सर, कमल बात कर रहा हूँ। ऐसे करके फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद में मुझे बोलता है कि एक गिलास पानी पिला दो मैम। मैं ठीक है सर, मैं पानी लेने किचन में गई। तब तक मेरा डॉगी यहाँ मेरे गेट के एग्जैक्ट सामने ही बैठा रहता है, तो एग्जैक्ट सामने बैठा था। मैंने किचन से पानी लिया, एक गिलास पानी भर के मैंने भैया को आगे हाथ किया कि मैंने ये लो। मैंने गेट उतना ही खोला कि मैं उसको गिलास दे पाऊँ। मैंने गिलास दिया, गेट वापस से बंद कर लिया अपना, वो पानी पिए जब तक मैं वहीं खड़ी थी। उसके बाद में बोलते हैं मैम ग्लास दे दिया वापस से, फिर बोलते हैं कि मैम एक ग्लास और पानी ला दो। मैंने ठीक है भैया, मैंने गेट कुंडी लगाई रखी थी किचन में, आई दोबारा पानी लेने। उनको लगा शायद मैं दोबारा मैं गेट खुला छोड़ने की गलती करूंगी और वो अंदर एंटर करते शायद। मैंने वो गलती नहीं की, मैंने गेट बंद किया, उसके बाद पानी लेने आई, वही प्रोसेस हुआ। पानी ले गई, थोड़ा सा गेट खोला, एक हाथ से गेट बंद रखा, उसको पानी दिया, फिर गेट बंद कर लिया। जब उसने पानी पी लिया, उसके बाद में जब ग्लास देने का टर्न आया, तब उसने एक हाथ से तो मुझे ग्लास दिया, एक हाथ से मेरी, उसको पता था कि इसने गेट पकड़ रखा, उसने जोर से गेट खींचा और एक हाथ से मेरा गला पकड़ा। तो मैं सीटियों की तरफ धकल खींच लिया उसने सीटियों में। मैंने तीन आवाज लगाई गला पकड़ने के बाद, मनीषा जी मेरे सामने रहती है, उन्होंने आवाज नहीं सुनी, टीवी चल रहा था शायद उनका, तो सुन नहीं पाई। फिर उसके बाद में मैंने पैर बैंड किया कि वो मुझे घर के अंदर एंटर ना करा पाए, क्योंकि अंदर आने के बाद तो सर फिर उसी की बच्ची थी, वो जो करता चोरी करता मारता पीटता जो भी था उसका। तो मैंने पैर बैंड कर लिया तो वो मुझे आसानी से ला नहीं पाया। फिर उसके दो साथी थे वो जो सीटियों में छिपके खड़े थे, वो दौड़ते हुए आए और दोनों ने आके मेरे पैर पकड़े। तो मैंने पकड़ने दिया नहीं, क्योंकि मैंने लाते चला रही थी कंटिन्यूस, वो जैसा पैर पकड़ रहे थे, तो मैं तीनों से कंट्रोल नहीं हो पाई। फिर जबरदस्ती घसीटते हुए लाके मुझे हॉल में गला पकड़ के गिराया जोर से। गिराने के बाद पिस्टल मेरे सामने निकाली उसने, कमल नाम जो बता रहा था, निकाल के मेरे लगा दी और बोला चुप हो जा। मैं चुप नहीं हुई, उसने मेरे थप्पड़ मारी, मेरे ब्लड आने लगा था होठों पे से। तब मेरे डॉगी को तब समझ में आया कि ये मामला क्या है। वो इतनी देर रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसने मुझे अच्छी खासी बातें की, तो मेरे डॉगी ने सोचा कोई रिलेटिव या कोई जानकार है। जब उसने मुझे मारा तब डॉगी इनसिक्योर हुआ और उसने काटने के लिए दौड़ा तो मेरे डॉगी को भी मारा तो उसे और गुस्सा आया डॉगी ने, उनको काटने के लिए भागा। सो वो तीनों घबरा के मुझे छोड़ के नीचे भाग गए। बाद में मैं पीछे भागती उनके पीछे गई, तब तक वो भाग चुके थे सर।